अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक्सिद अजीज़ एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5, चैप्टर नंबर 4, डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस। एक्सरसाइज 4.1, कंपेयर करना है हमने डेसिमल नंबर्स जो लिखे हुए हैं 5.55 एंड 5.06। 5 होल नंबर तो सेम है, उसके बाद डेसिमल पे जाएंगे तो यहाँ पर 5 है टेंथ पे और यहाँ पर टेंथ पे 0 है। तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है, जो नंबर छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन है। आपने स्टार्ट यहीं से करना है तो ये लार्जर आ जाएगी। इसी तरह आप नीचे वाली एग्जांपल देखें 3.879। 3 सेम है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 9 बड़ा है 8 से, तो ये आपके पास फ्रैक्शन ये वाली बड़ी ही होगी। इसको पूरा करने के लिए आप 9 के बाद 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे वे आपने जाना है। अगर आपको ये पता हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी, तो आप उसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि इसी असेंडिंग अगर हमें आता हो तो उससे हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। असेंडिंग इज़ छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं 14.82, 14.25, 14.72 और 14.90। अब तमाम होल नंबर्स तो 14 ही है तो वो तो ठीक हो गया। अब हमने डेसिमल के बाद ही देखना है सबसे असेंडिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आप यहाँ पे टेंथ देखिए, टेंथ नंबर को, कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो आपको पता लगेगा कि ये 2 है सबसे छोटी, तो ये लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास ये आ गया। अब 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, मतलब उसके बाद कौन सी छोटी वैल्यू आती है, 8 है, 9 है, 7 है और 9 है, तो 2 के बाद अब आपके पास 7 ही नेक्स्ट वैल्यू आती है, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर के लिए देखें तो 8, 9 और 9 है, तो 9 में से 8 क्योंकि छोटा है तो ये आपके पास थर्ड नंबर पे आ जाएगी। अब जो आपके पास 2 बची, उन दोनों का टेंथ जो है वो 9 है, तो ये दोनों यहाँ से आगे कंपैरिजन जाएगा जो 100th वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि दोनों के टेंथ वैल्यू 9 है सेम है, तो हम आगे मूव कर देंगे। अब यहाँ पे जो बड़ा होगा वो आगे सब बड़ा होगा, तो 2 और 0 में से 2 बड़ा है तो ये स्मॉल है, यानी ये थर्ड था तो ये फोर्थ वैल्यू आ जाएगी, और ये जो है लास्ट में बची ये हमारे पास फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 14.25 पहले नंबर पे, फिर 14.72, फिर 14.82, देन 14.90 एंड देन 14.92। ये है स्मॉलेस्ट से बिगर नंबर, ये है असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। और अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नीचे वाला इसी तरह होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने करना है सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है और फिर छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। तो क्वेश्चन तमाम सेम है, होल नंबर्स सब के सेम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो आपने जो फ्रैक्शन के बाद है वो आपने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हम देख लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। यहाँ पे आप देखिए कि होल नंबर 10, 101, 10, 1 और 101 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू
101 है, लेकिन इसके भी दो पार्ट हैं, 101.9 है और 101.5 है, तो पॉइंट के बाद 9 क्योंकि बड़ा है तो 101.9 आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी और 101.5 आपकी सेकंड वैल्यू होगी। इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, आपके पास 10 और 1 है तो 10 आ जाएगी, 10 में 10.15 और 10.51 है, 10 और 10 तो सेम है, पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 1 और पहली वैल्यू 5, तो 5 वाली बड़ी है, 10.51 और 10.15 आ जाएगी, और लास्ट में आपके पास बची 1.015। तो ये आप देखें कि अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करें तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।